नमस्कार, मैं ऋषभ शुक्ला, आप देख रहे हैं यूपी 17 इंडिया न्यूज। आज हम लोग मौजूद हैं किदवई नगर विधानसभा में, जहां पर बोगनीपुर विधानसभा प्रत्याशी माननीय राकेश सचान जी पूरी बहुमत से जो जीते हैं, आज हम लोग उनके निवास पे खड़े हुए हैं। आइए आज उनसे बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार जो कि पूरी बहुमत से जीती हुई है उसके बारे में, और जो बोगनीपुर विधानसभा से उनको कितने सीटों से मतलब जो जीते हैं उसके बारे में पल पल की अपडेट यूपी 17 इंडिया न्यूज के साथ। आपको जी की बहुत बहुत बधाई, और कैसा लग रहा है भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन करके, और अब आप क्या विकास कार्य करना चाहेंगे बोगनीपुर में? तो जनता और कार्यकर्ताओं की जीत है, और उन्हीं के प्रयास से बोगनीपुर में ये चुनाव जनता लड़ रही थी, और जनता ने एक एक गांव एक एक बूथ में ताकत दिखा करके कमल खिलाया है। पूरी मजबूती के साथ क्षेत्र का विकास होगा और जो भी समस्याएं उनको दूर किया जाएगा। चुनाव के दौरान आपकी काफी व्यस्तता रही, उसके बारे में कुछ बताइए, क्योंकि आदमी जब सफलता पहुंच जाता है तो अपनी पूरी मेहनत को जरूर ध्यान रखता है एक बार कि क्या मेहनत की है। देखिए, चुनाव में समय कम था हमारे पास, और मुश्किल से 18 दिन का समय था। क्षेत्र बड़ा था, क्योंकि पहले से आना जाना था, लोग जानते थे, तो लोगों ने स्वीकार भी किया और जनता ने पूरा अब एक एक बूथ में गांव में मजबूती के साथ खड़े हुए, और उसी का रिजल्ट रहा कि चुनौतियों का चुनाव जीता। आशा करते हैं आपके आने वाले 5 साल बहुत बेहतरीन रहेंगे।